हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन इन द आर्ट बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में भी हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सबको लर्न हुआ कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। ओके, नेमिंग वर्ड्स को ही हम नाउन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग आप लोग अपने सामने कॉपी रखोगे, पेंसिल रखोगे और जैसे जैसे मैं इसमें प्रैक्टिस करवाऊंगी आप लोग उस वीडियो को पहले देखोगे, देन अपनी कॉपी में नोट करोगे। ओके, लेट्स मूव स्टूडेंट्स। नाउन, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। नाउन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? नाउन किसी कोई पर्सन, नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, इस सभी के नेम को हम नाउन कहते हैं। जैसे कोई पर्सन हुआ, प्लेस हुआ, एनिमल्स हुआ या फिर कोई ऐसी वस्तु हो गई, कोई लोग, कोई स्थान या कोई जानवर या फिर कोई वस्तु के नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लाइक पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे कि पर्सन में कौन कौन से नेम आते हैं, प्लेसेस में कौन कौन से नेम आते हैं, थिंग्स में कौन कौन से एंड एनिमल्स में कौन कौन से नेम आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पर्सन नेम क्या होगा? फादर, फादर, बॉय, सिस्टर। ओके, पर्सन नेम क्या होता है स्टूडेंट्स? फादर, बॉय, सिस्टर, मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, ये सब पर्सन नेम हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्लेसेस। प्लेसेस में होगा स्कूल, टेम्पल, गार्डन, गार्डन। ओके, प्लेसेस में क्या होगा? स्कूल, टेम्पल, गार्डन, ये सब प्लेसेस नेम हो जाएंगे। नेक्स्ट है थिंग्स। थिंग्स में होगा बैग, बैग, पेन, बुक, टेबल, चेयर, फैन और भी बहुत सारे थिंग्स। ओके, नेक्स्ट है एनिमल्स। तो एनिमल्स में क्या होगा? कैट, डॉग, एलिफेंट। ओके, एलिफेंट एनिमल्स में नहीं होगा, कैट, डॉग, एलिफेंट, ऑक्स, हॉर्स, ज़ेबरा, ये सब क्या बताएंगे? तो एनिमल्स में होंगे और दीज आर कॉल्ड नाउन। ओके, इन सभी को हम क्या कहते हैं? तो नाउन कहते हैं। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस हम देखते हैं स्टूडेंट्स। राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम्स। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसी में हमें करेक्ट कॉलम्स में लिखना है। जैसे कि पर्सन, पर्सन, प्लेसेस, प्लेसेस, एनिमल्स, एनिमल्स और थिंग्स। ओके, इस कॉलम में हमें इन वर्ड्स को रखने हैं। तो फर्स्ट है रीता। रीता इज अ पर्सन्स नेम। ओके, रीता एक पर्सन्स नेम है, तो रीता को हम इस कॉलम में लिखेंगे, पर्सन वाले कॉलम में। नेक्स्ट है आगरा। आगरा इज अ प्लेसेस नेम, तो हम इसमें लिखेंगे आगरा। आगरा इज अ प्लेसेस नेम। ओके, नेक्स्ट है बुक। बुक इज अ थिंग्स नेम, बुक। नेक्स्ट है डॉल्फिन। डॉल्फिन इज अ एनिमल्स नेम। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टेबल। टेबल इज अ, यू नो, टेबल इज अ थिंग्स, टेबल इज अ थिंग्स। नेक्स्ट है गीता। गीता इज अ पर्सन्स नेम, गीता। नेक्स्ट है स्कूल। यू नो स्टूडेंट्स, स्कूल इज अ प्लेसेस नेम, स्कूल। नेक्स्ट है बैग। बैग इज अ थिंग्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रेनू।
Delhi. Neha. Neha is a person's name. So इसमें हम person वाले column में रखेंगे Neha. Next है garden. Garden is a place's name. Okay. Garden is a place's name. Garden एक place का name है. Next है dog. Dog is a animal's name. Okay students, ये कुछ names थे, ये nouns थे, जिसे हमने column wise लिखा कि person में कौन सा होगा, places में कौन सा होगा, animals में कौन सा होगा, things में कौन सा होगा. तो students, person में होगा गीता, गीता, रेनु, नेहा. Places में होगा आगरा, school, Delhi, garden, ये सब places name है. Animals में dolphin, cat, dog, ये सब animals name है. Things में book, table, bag, clock, hat, ये सब things name है. And these are called nouns. These are called nouns. इन्हें ही हम noun कहते हैं. I hope students आप सबको ये समझ में आया होगा. आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखोगे और इससे रिलेटिव जो भी होमवर्क जाएगा आप खुद से उसे सॉल्व करोगे. आज के लिए